हे गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोबारा से यही गाड़ी लेके आया हूँ, पॉलिसी बाजार का बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ कि अब आपको अगर पॉलिसी रिन्यू करनी है तो कैसे करनी पड़ती है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो पहली बात, अगर आप चाहूँ जिस कंपनी से पॉलिसी लेते हो वो कंपनी आपको खुद मेल कर देगी कि भैया हम इतने इतने का प्रीमियम बना के दे रहे हैं आपकी गाड़ी पे, ये IDV मतलब इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू लगाई है हमने, आप जाके इस पे क्लिक करो और सीधा पॉलिसी ले लो, उसमें इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने चार पैसे बचाना चाहते हो तो पॉलिसी बाजार पर जाओ, इंस्पेक्ट करो कौन सी कंपनी कितना IDV दे रही है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, और अगर आपको उससे सस्ते में हो रही है तो भाई कर लो, 5 मिनट का काम है, इंस्पेक्ट कर लो। तो हम इस बार ना दोबारा से नई पॉलिसी ले रहे हैं दूसरी कंपनी की, पहले हमारी कोटेक की थी, अब आगे हम दूसरी का कर रहे हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता। और हाँ, पहली बात बता दूँ कि पहले क्या होता था कि इसके लिए एक अलग ऐप डाउनलोड करनी पड़ती थी जिसका नाम था PB इंस्पेक्ट, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब इसी ऐप के अंदर बुकिंग ID और गाड़ी का नंबर डाल के मतलब एक बार पेमेंट करने के बाद तब आप इसकी वीडियो बना सकते हो। हम लेने वाले हैं पॉलिसी, इसकी पहली पॉलिसी भी पॉलिसी बाजार के थ्रू ली गई थी और अब मोबाइल से हम देख रहे हैं तो कोट मिल जाएंगे कितना, मतलब हमें सस्ता पड़ रहा है कितना नहीं, तो देखते हैं IDV के हिसाब से कितना है कितना नहीं है। ध्यान रखना जो पिछली वाली IDV रहती है आपकी उसका 10% ही लेस करके आप अपनी IDV को चूज करना और देखना कि कौन ज्यादा बढ़िया है कौन सा नहीं है। बाकी गाड़ियों के इंश्योरेंस में यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा रिक्वायर सेल्फ वीडियो इंस्पेक्शन, इसका मतलब वीडियो आपको बनानी ही पड़ेगी, वीडियो नहीं बना लोगे आप आगे के लिए फ्री हो जाओगे, तो वेल एंड गुड रहेगा उस चीज के लिए। तो भाई हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दी जो भी हमें प्रीमियम ठीक लगा, और उसके बाद देखो दो ऑप्शन आए कि एक आपका ना कंप्लीट वीडियो इंस्पेक्शन और दूसरा ऑप्शन है अपलोड प्रीवियस ईयर पॉलिसी। तो वो तो हमने अपलोड कर दी, हमारे पास थी, आपके पास नहीं थी तो खींच के भी आप अपलोड कर सकते हो, उसमें ऑप्शन आ जाता है। अब हम ये करने वाले हैं, इन्होंने बोल दिया है कि भाई पॉलिसी तभी अप्रूव होगी जब हम वीडियो डालेंगे, तो भाई ये अब मैंडेटरी कर किया जा चुका है। काफ़ी मेरे भाई लोग ये पूछ रहे थे कि भाई ये ज़रूरी है, भाई बिल्कुल ज़रूरी है, अब हर केसेस में 4-व्हीलर केसेस में ये बहुत ज़रूरी कर दिया गया है। तो भाई जैसे ही हमने पेमेंट करी उसके बाद ना, पहले क्या होता था कि PB इंस्पेक्ट करके एक ऐप आती थी वो डाउनलोड करनी पड़ती थी, बट अब आपके पॉलिसी बाजार की ऐप में ही सारे काम हो जाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे अपनी मेल आईडी पे जाना है और मेल पे चेक करना है जो बुकिंग आईडी आती है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको बुकिंग आईडी, जैसे ये होता है ना, ये रेफरेंस आईडी आती है, यही आपकी बुकिंग आईडी है, और इसी को ना आपको डालना किस पे है, इसमें एक ऑप्शन आता है जहाँ पे, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ और दिखाऊंगा, दोबारा मुझे जाना पड़ेगा पीछे, कॉपी हो पाएगा या नहीं होगा उसके मैं दिखा दूंगा कौन से ऑप्शन पे जाना है। तो बुकिंग आईडी डालने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और फिर ये बोलेगा आई हैव अ फिजिकल कॉपी ऑफ कार RC, कार गाड़ी की RC होनी चाहिए आपके पास, पिछली पॉलिसी होनी चाहिए, चेसिस नंबर कहाँ है मुझे पता होना चाहिए, और गाड़ी बिल्कुल सनलाइट में खड़ी होनी चाहिए, कंजेस्टेड एरिया में ना हो, इसकी वीडियो आसानी से बन जाए, और विंडशील्ड और विंडो मेरी गाड़ी की क्लीन होनी चाहिए, ठीक है सब कुछ है। तो भाई स्टार्ट करते हैं कार का इंस्पेक्शन और देखते हैं सबसे पहले। ओ भाई देखो, सबसे पहले ये दीदी क्या बोल रही हैं कि ओपन द कार का फ्रंट बोनट, गाड़ी का फ्रंट बोनट आप खोल दो, गाड़ी के सारे शीशे बंद कर दो, दूसरा गाड़ी की सीट पे बैठ जाओ। तो सबसे पहले हम यही करने वाले हैं, हम बोनट करने वाले हैं इसका, ठीक है, बोनट का स्ट्रट लगा देते हैं, हैवी इसमें कि नहीं है, होगा, ठीक है बोनट खोल दिया हमने, अब हम जा रहे हैं भाई गाड़ी की सीट पे बैठने, चाबी देना सर, हम करते हैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले ड्राइवर सीट पर बैठेंगे, आगे की विंडशील्ड को अंदर, आगे की विंडशील्ड को ऊपर से नीचे ले जाते हुए ऐसे रिकॉर्ड करें कि पूरी पिच, ज़ूम का उपयोग बिल्कुल ना करें। सुन लिया भाई दीदी ने क्या बोला, दीदी ने बोला कि आपको लेफ्ट से राइट ले जाना है धीरे धीरे, फिर ऊपर से नीचे लाना है, ठीक है भाई। तो पहले तो हम लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, ठीक है, फिर हम ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे, ठीक है। अपनी कार की RC को आगे और पीछे दोनों साइड से रिकॉर्ड करें, गाड़ी की RC मांग रहे हैं भाई। वीडियो में RC के दोनों तरफ को स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकता है, देखो भाई जी ये RC का हो गया फ्रंट और ये हो गया बैक साइड भाई, ठीक है। जैसे ही मैंने ये कर ली, इसको रख दिया साइड,
और आगे। पिछले वर्ष की पॉलिसी कॉपी के सभी पेजों को रिकॉर्ड करें। कृपया ध्यान दें कि वीडियो में पॉलिसी को स्पष्ट रूप से देखा और पढ़ा जा सके। भाई ये देखो पॉलिसी, ये पिछली पॉलिसी है, ठीक है। फोन में ही हम फोन में ही कर रहे हैं क्योंकि डिजिटल कॉपी देते हैं, तो हम सारे पेजेस को अब आगे सुनते हैं। अपने कार के इंजन को शुरू करें और ओडोमीटर की किलोमीटर रीडिंग को रिकॉर्ड करें। ओडोमीटर आपके कार द्वारा की गई यात्रा की कुल दूरी होती है। कार का इंजन स्टार्ट करना है, सुनिश्चित करें कि आप ट्रिप मीटर को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे आपके वीडियो को रिजेक्ट किया जा सकता है। स्टार्ट द इंजन, रिकॉर्ड द टोटल किलोमीटर, जितने किलोमीटर है टोटल वो दिखा दो, ट्रिप मीटर नहीं करना है वरना वीडियो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही कर दिया, कार की चेसी नंबर को रिकॉर्ड करें। कार का चेसी नंबर रिकॉर्ड करने के बाद फिर आगे बताओ। फिर आगे बढ़ा दिया, बोनट को बंद कर। लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे, कोई रोड के दरारे हैं कर लो। सामने से रिकॉर्ड करना है। सभी चरणों को पूरा कर लिया है। यदि आप किसी स्टेप को रिकॉर्ड करना भूल गए हो या सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं करा है तो कृपया वीडियो को फिर से रिकॉर्ड करें। यदि आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो सबमिट बटन, देखो ऐसे करके आप अपनी जो भी वीडियो आपने रिकॉर्ड करी है उसका प्रीव्यू ले सकते हो, ठीक है। अभी से भाई सबमिट करने पे ऐसे करके ना ये प्रोसेसिंग टाइम लेगा, जैसे ये प्रोसेस हो जाएगा इसकी इंस्पेक्शन होगी, इंस्पेक्शन होने के बाद आपकी पॉलिसी आपको इशू कर दी जाएगी।